नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गद्य काल का अपना दूसरा वीडियो देखने जा रहे हैं और ये वीडियो बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपकी हिंदी को भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद करेंगे। आपको इंटरेस्ट होना चाहिए इन चीज़ों में, थोड़ी सी रुचि होनी चाहिए कि हिंदी किस तरह से हम आगे बढ़कर आज के स्वरूप में हमारे सामने है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अंग्रेज यद्यपि विदेशी थे पर उन्हें यह स्पष्ट लक्षित हो गया था कि जिसे उर्दू कहते हैं वे ना तो देश की स्वाभाविक भाषा थी और ना उसका साहित्य देश का साहित्य है जिसमें जनता के भाव और विचार रक्षित हों। मतलब अंग्रेज समझ गए थे, इसलिए जब उन्हें देश की भाषा सीखने की आवश्यकता हुई तब वे गद्य की खोज में पड़े। तब दोनों प्रकार की पुस्तकों की आवश्यकता हुई, उर्दू की भी और हिंदी यानी शुद्ध खड़ी बोली की भी। पर उस समय गद्य की पुस्तकें वास्तव में ना उर्दू में थी ना हिंदी में। जिस समय फोर्ट विलियम कॉलेज की ओर से उर्दू और हिंदी गद्य पुस्तकें लिखने की व्यवस्था हुई उसके पहले हिंदी खड़ी बोली में गद्य की कई पुस्तकें लिखी जा चुकी थी। ठीक है, भाषा योग वशिष्ठ और पर्पी पुराण का उल्लेख हो चुका है। इसके उपरांत जब अंग्रेजों की ओर से पुस्तकें लिखने की व्यवस्था हुई उसके दो एक वर्ष पहले मुंशी सदा सुखलाल ने ज्ञानोपदेश वाली पुस्तक और इंसा की रानी केतकी की कहानी लिखी जा चुकी थी। मतलब जब इन अंग्रेजों ने व्यवस्था की थी, ये नहीं है कि अंग्रेजों ने व्यवस्था की थी उसी से सब कुछ आगे बढ़ा था, उसके पहले ही सदा सुखलाल ने अपनी ज्ञानोदेश वाली पुस्तक और इंसा अल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी लिख दी थी। तो रानी केतकी की कहानी पहले लिखी जा चुकी थी, ध्यान रखिएगा। अतः ये कहना कि अंग्रेजों की प्रेरणा से ही हिंदी खड़ी बोली गद्य का प्रादुर्भाव हुआ ठीक नहीं है। जिस समय दिल्ली को उजाड़ने के कारण उधर के हिंदू व्यापारी तथा अन्य वर्ग के लोग जीविका के लिए देश के भिन्न भिन्न भागों में फैल गए और खड़ी बोली अपने स्वाभाविक देसी रूप में शिष्टों की बोलचाल की भाषा हो गई, उसी समय लोगों का ध्यान उसमें गद्य लिखने की ओर गया। तब तक हिंदी और उर्दू का साहित्य पद्य में ही था। हिंदी कविता के में परंपरागत काव्य भाषा ब्रज भाषा का व्यवहार चला आता था और उर्दू कविता में खड़ी बोली की अरबी फारसी मिश्रित रूप का। ठीक है, हिंदी में जो हिंदी की काव्य भाषा थी वो ब्रज भाषा थी और जो उर्दू की कविता होती थी वो खड़ी बोली की अरबी फारसी मिश्रित रूप में होती थी। जब खड़ी बोली अपने असली रूप में चारों ओर फैल गई तब उसकी व्यापकता और भी बढ़ गई। हिंदी गद्य के लिए उसका ग्रहण में सफलता की संभावना दिखाई पड़ी। इसलिए जब संवत 1660 में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के हिंदी उर्दू अध्यापक जॉन गिलक्राइस्ट ने देसी भाषा की गद्य पुस्तकें तैयार कराने की व्यवस्था की तब उन्होंने उर्दू और हिंदी दोनों के लिए अलग अलग प्रबंध किया। इसका मतलब यही है कि उन्होंने उर्दू को स्वतंत्र हिंदी खड़ी बोली का अस्तित्व भाषा के रूप में पाया। फोर्ट विलियम कॉलेज के आश्रय में लल्लू लाल जी गुजराती ने खड़ी बोली के गद्य में प्रेम सागर और सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान लिखा। अतः खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले चार महानुभाव हुए हैं। कौन कौन? मुंशी सदा सुखलाल, सैयद इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। ये चारों लेखक संवत 1860 के आसपास हुए। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। मुंशी सदा सुखलाल नियाज दिल्ली के रहने वाले थे। इनका जन्म संवत 1803 में और मृत्यु 1881 में हुई। संवत 1850 के लगभग ये कंपनी की अधीनता में सुनार जिला मिर्जापुर में एक अच्छे पद पर थे। कंपनी के लिए ये काम करते थे। कहाँ पर? मिर्जापुर में। इन्होंने उर्दू और फारसी में बहुत सी किताबें लिखी और काफ़ी शायरी की। तारीख में अपने संबंध में इन्होंने कुछ लिखा है उससे पता चलता है कि 65 वर्ष की अवस्था में ये नौकरी छोड़कर प्रयाग चले गए और अपनी शेष आयु वहीं हरिभजन में बिताई।
पहले के लोग कुछ भी करें लेकिन आखिरी के समय पे 65-70 के साल के बाद में वो सब कुछ छोड़कर अपने अगले जन्म को सुधारने के लिए ईश्वर भजन में लग जाते थे। उक्त पुस्तक संवत 1875 में समाप्त हुई, जिसके 6 वर्ष के उपरांत इनका परलोकवास हुआ। मुंशी जी ने विष्णु पुराण से कोई उपदेशात्मक प्रसंग लेकर एक पुस्तक लिखी थी जो पूरी नहीं मिली है। कुछ दूर तक सफाई के साथ चलने वाला गद्य जैसा भाषा योग वशिष्ठ का था, वैसा ही मुंशी जी की इस पुस्तक में दिखाई पड़ा। उसका थोड़ा सा अंश नीचे उद्धृत किया जा रहा है। इससे जाना गया कि संस्कार का भी प्रमाण नहीं, आरोपित उपाधि है। जो क्रिया उत्तम हुई तो 100 वर्ष में चांडाल से ब्राह्मण हुए, और जो क्रिया भ्रष्ट हुई तो वह तुरंत ही ब्राह्मण से चांडाल होता है। यद्यपि ऐसे विचार से हमें लोग नास्तिक कहेंगे, हमें इस बात का डर नहीं। जो बात सत्य होए उसे कहना चाहिए, कोई बुरा माने या भला माने। विद्या इसी हेतु पढ़ते हैं कि तात्पर्य इसका जो सत्ववृत्ति है वह प्राप्त हो और उससे निज स्वरूप में लय हो जिए। इस हेतु नहीं पढ़ते कि चतुराई की बातें कह के लोगों को बहकाइए और फुसलाइए और सत्य छिपाइए, व्यभिचार कीजिए और सुरापान कीजिए और धान द्रव्य इकठोर कीजिए, और मन को तमोवृत्ति से भर रहा है उसे निर्मल ना कीजिए। तोता है सो नारायण का नाम लेता है, परंतु उसे ज्ञान तो नहीं है। मुंशी जी ने यह गद्य ना तो किसी अंग्रेज अधिकारी की प्रेरणा से और ना ही किसी दिए हुए नमूने पर लिखा। वे एक भगवत भक्त थे। अपने समय में उन्होंने हिंदुओं की बोलचाल की जो शिष्ट भाषा चारों ओर पूर्वी प्रांतों में भी प्रचलित पाई, उसी में रचना की। स्थान स्थान पर शुद्ध तत्सम अंग्रेजी संस्कृत शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने भावी साहित्यिक रूप का पूर्वाभास दिया। यद्यपि वे खास दिल्ली के रहने वाले अहलेजवान थे, पर उन्होंने अपनी हिंदी गद्य में कथावाचकों, पंडितों, साधु संतों के बीच दूर दूर तक प्रचलित खड़ी बोली का रूप रखा, जिसमें संस्कृत के शब्दों का भी पुट बराबर रहता था। इसी संस्कृत में मिश्रित हिंदी को उर्दू वाले भाषा कहते थे, जिसका चलन उर्दू के कारण कम होते देख मुंशी सदा सुखलाल ने इस प्रकार खेद व्यक्त किया है। क्या कहा है मुंशी सदा सुखलाल ने? बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा, ये मतलब पंक्ति बहुत पूछी जाती है। रस्मों रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया, ये किसने कहा था? मुंशी सदा सुखलाल ने। सारांश यह है कि मुंशी जी ने हिंदुओं की विशिष्ट बोलचाल की भाषा ग्रहण की, उर्दू से अपनी भाषा नहीं ली। इन प्रयोगों से ये बात स्पष्ट हो जाती है, स्वभाव करके वे दैत्य कहलाए, बहुत ज्यादा चूक हुई, उन्हीं लोगों से बन आवे तो जो बात सत्य हो। काशी पूरब में है, पर जहाँ के पंडित सैकड़ों वर्ष से होएगा आवता है इस करके आदि बोलते चले आते हैं, ये सब बातें उर्दू से स्वतंत्र खड़ी बोली के प्रचार की सूचना देती हैं। बात करते हैं इंशाल्लाह खां की। इंशाअल्लाह खां उर्दू के बहुत प्रसिद्ध शायर थे, जो दिल्ली उजड़ने पर लखनऊ चले आए थे। इनके पिता मीर मासा अल्लाह खां कश्मीर के से दिल्ली आए थे, जहां वे शाही हकीम हो गए थे। मुगल सम्राट की अवस्था बहुत गिर जाने पर हकीम साहब मुर्शिदाबाद के नवाब के यहां चले गए थे। मुर्शिदाबाद में ही इंसा का जन्म हुआ। जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला मारे गए और बंगाल में अंधेर मचा, तब इंसा, जो पढ़ लिखकर अच्छे विद्वान और प्रतिभाशाली कवि हो चुके थे, दिल्ली चले आए और शाह आलम दूसरे के दरबार में रहने लगे। वहाँ जब तक रहे तब अपनी अद्भुत प्रतिभा के बल पर अपने विरोधी बड़े बड़े नामी शायरों को ये बराबर नीचा दिखाते रहे। जब गुलाम कादिर बादशाह को अंधा करके शाही खजाना लूट कर चल दिया, तब इंसा का निर्वाह दिल्ली में कठिन हो गया और वह लखनऊ चले गए। जब संवत 1855 में नवाब सादत अली खां गद्दी पर बैठे, तब भी उनके दरबार में आने जाने लगे। बहुत दिनों तक इनकी बड़ी प्रतिष्ठा रही, पर अंत में दिल लगी की बात पर
इनका वेतन आदि सब बंद हो गया और जीवन का अंतिम भाग बड़े कष्ट में बीता। संवत 1875 में इनकी मृत्यु हुई। इंसा ने उदय भान चरित या रानी केतकी की कहानी संवत 1855 और 1860 के बीच लिखी होगी। कहानी लिखने का कारण इंसा साहब यूं लिखते हैं, उदय भान चरित यानी दोनों एक ही का नाम है, रानी केतकी की कहानी। एक दिन बैठे बैठे ये बात अपने मन में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए जिसमें हिंदी छुट और किसी भाषा का पुट ना मिले। तब जाम के मेरा जी फूल की कली के रूप में खिले, बाहर की बोली और गंवारी के बीच उसके बीच ना हो। अपने मिलने वालों में से कोई बड़े पढ़े लिखे पुराने धुराने डांग बूढ़े घाग ये खटराए लगाए और कहने लगे, ये बात होते दिखाई नहीं देती, हिंदवीपन भी ना निकले और भाखापन भी ना हो, बस जैसे भले लोग अच्छों से अच्छे आपस में बोलते चलते हैं, त्यों का त्यों वही सब डॉल रहे और छाह किसी की ना हो, यह नहीं होने का। इससे स्पष्ट है कि इंसा का उद्देश्य ठेठ हिंदी लिखने का था जिसमें हिंदी को छोड़कर और किसी बोली का पुट ना हो। उद्धृत अंश में भाखापन शब्द ध्यान देने योग्य है। मुसलमान लोग भाखा शब्द का व्यवहार साहित्यिक हिंदी भाषा के लिए करते थे जिसमें आवश्यकता अनुसार संस्कृत के शब्द आते थे, चाहे वे ब्रजभाषा हो या खड़ी बोली। तात्पर्य यह है कि संस्कृत मिश्रित हिंदी को ही उर्दू फारसी वाले भाषा कहा करते थे, भाखा से खास ब्रजभाषा का अभिप्राय उनका नहीं होता था, जैसे कुछ लोग ब्रह्मवश समझते हैं। जिस प्रकार वे अपनी अरबी फारसी मिली हिंदी को उर्दू कहते थे, उसी प्रकार संस्कृत मिली हिंदी को भाखा। ये बात ध्यान रखिएगा। भाषा की शास्त्रीय दृष्टि से विचार ना करने वाले, उर्दू की ही तालीम खास तौर पर पाने वाले कई नए पुराने हिंदी लेखक इस भाखा शब्द के चक्कर में पढ़कर ब्रज भाषा को हिंदी कहने में संकोच करते हैं। खड़ी बोली पद्य का झंडा लेकर घूमने वाले स्वर्गीय बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री चारों ओर घूम घूम कर कहा करते थे कि अभी हिंदी में कविता हुई कहाँ, सूर तुलसी बिहारी आदि ने इसमें कविता की है, वह तो भाखा है हिंदी नहीं। संभव है सड़े गले ख्याल के लिए अब को लिए अभी भी कुछ लोग पड़े हों। इंसान ने अपनी भाषा को तीन प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की है, ध्यान रखिएगा। बाहर की बोली यानी अरबी फारसी तुर्की, गंवारी यानी ब्रज भाषा और अवधी, और भाखापन यानी संस्कृत के शब्दों का मेल। इस बिलगाव से आशा है ऊपर लिखी बातें स्पष्ट हो गई होंगी। इंसान ने भाखापन और मुअल्लापन दोनों को दूर रखने का प्रयत्न किया, पर दूसरी बला किसी न किसी सूरत में कुछ लगी रह गई। फारसी के ढंग का वाक्य विन्यास कहीं कहीं विशेषता बड़े वाक्यों में आ ही गया है, पर बहुत कम। जैसे सिर झुकाकर नाक रगड़ता हूं अपने बनाने वाले के सामने जिसने हम सबको बनाया, इस सिर को झुकाने के साथ ही दिन रात जपता हूं उस अपने दाता के भेजे हुए प्यारे को। ये चिट्ठी जो विष भरी कुंवर तक जा पहुंची। आरंभ काल के चारों लेखकों में इंसा की भाषा सबसे चटकीली मटकीली मुहावरेदार और चलती है। पहली बात यह है कि खड़ी बोली उर्दू कविता में पहले बहुत कुछ मंच चुकी थी, जिसे उर्दू वालों के सामने लिखते समय मुहावरे आदि बहुतायत में आया करते थे। दूसरी बात यह है कि इंसा रंगीन और चुलबुली भाषा के द्वारा अपने लेखन कौशल दिखाना चाहते थे। मुंशी सदा सुखलाल भी दिल्ली खास के थे और उर्दू साहित्य का अभ्यास भी पूरा रखते थे, पर वे धर्म भाव में जानबूझकर अपनी भाषा गंभीर और संयत रखना चाहते थे। सानुप्रास विराम भी इंसा अल्लाह खां के गद्य में बहुत सारे स्थानों पर मिलते हैं, जैसे जब दोनों महाराजों में लड़ाई होने लगी तब रानी केतकी सावन भादों के रूप में रोने लगी और दोनों के ही जी में यह आ गई, ये कैसी चाहत
जिसमें लहू बरसने लगा और अच्छी बातों को जी तरसने लगा। इंसा के समय वर्तमान प्रदंत या विशेषण आदि और विशेष्य के बीच में समानाधिकरण कुछ बना हुआ था जो गद्य में जगह जगह पाया जाता है। जैसे आतियां जातियां जो सासे हैं उनके बिना ध्यान ये सब फांसे हैं, घरवालियां जो किसी डॉल की बहलातियां हैं। इन विचित्रताओं के होते हुए भी इंसान ने जगह जगह बड़ी प्यारी घरेलू ठेठ भाषा का व्यवहार किया है और वर्णन भी सर्वथा भारतीय रखे हैं। इनकी चलती चटपटी भाषा का नमूना देखिए। इस बात पर पानी डाल दो, नहीं तो पछताओगी और अपना किया पाओगी, मुझसे कुछ ना हो सकेगा। तुम्हारी जो कुछ अच्छी बात होती तो मेरे मुंह से जीते जी ना निकलती, पर यह बात मेरे पेट में नहीं पच सकती। तुम अभी अल्लड़ हो, तुमने अभी कुछ नहीं देखा है। जो ऐसी बात पर सचमुच ढलाव देखोगी तब तुम्हारे बाप से कहकर वह भभूत जो वह मुआ निगोड़ा भूत मुछंदर का पूत अवधूत दे गया है हाथ मुरकवा कर छिनवा लूंगी। अब बात करते हैं लल्लू लाल जी की। लल्लू लाल जी ये आगरे के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे। इनका जन्म संवत 1820 में और मृत्यु 1882 में हुई। संस्कृत के विशेष जानकार तो ये नहीं जान पड़ते, पर भाषा कविता का अभ्यास इन्हें था, उर्दू भी कुछ जानते थे। संवत 1860 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक जॉन गिलक्राइस्ट ने के आदेश से इन्होंने खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर लिखा था, जिसमें भागवत दशम स्कंद की कथा वर्णित की गई है। इंसा के समान इन्होंने केवल ठेठ हिंदी में लिखने का संकल्प तो नहीं किया था, पर विदेशी शब्दों के ना आने देने की प्रतिज्ञा अवश्य लक्षित होती है। यदि ये उर्दू ना जानते होते तो भी अरबी फारसी के शब्द बचाने में उतने कृतकार्य कभी ना होते जितने हुए। बहुतेरे अरबी फारसी शब्द के शब्द बोलचाल की भाषा में इतने मिल गए थे कि उन्हें केवल संस्कृत हिंदी जानने वाले के लिए ही पहचानना कठिन था। मुझे एक पंडित जी का स्मरण है जो लाल शब्द तो बराबर बोलते थे पर कलेजा और बैगन शब्दों को मलेच्छ भाषा के समक्ष बताते थे। लल्लू लाल जी अनजान में कहीं कहीं ऐसे शब्द लिख गए हैं जो फारसी या तुर्की के हैं, जैसे बैरक शब्द तुर्की का बैरक है जिसका अर्थ है झंडा, ठीक है। प्रेम सागर में ये शब्द आया है। देखिए शिवाजी ने एक ध्वजा बाणासुर को दे के कहा कि इस बैरक को ले जाए, पर ऐसे शब्द दो ही चार जगह आए हैं, ज्यादा नहीं। यद्यपि मुंशी सदा सुखलाल ने भी अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग ना कर संस्कृत मिश्रित साधु भाषा लिखने का प्रयत्न किया, पर लल्लू लाल जी की भाषा से उसमें बहुत कुछ भेद दिखाई देता पड़ता है। मुंशी जी की भाषा साफ सुथरी खड़ी बोली है, पर लल्लू लाल जी की भाषा कृष्णोपासक व्यासों की सी व्रज रंजित खड़ी बोली है। सम्मुख जाए, सिर नाए, सोई भई कीजिए, निरख लीजिए, ऐसे शब्द बराबर प्रयुक्त हुए हैं जो आपने ब्रज भाषा के कवियों की कविताओं में भी देखे हैं। अकबर के समय गंग कवि ने जैसे खड़ी बोली लिखी, वैसी खड़ी बोली लल्लू लाल ने भी लिखी। दोनों की भाषाओं में अंतर इतना ही है कि गंग इधर उधर की फारसी अरबी के प्रचलित शब्द भी रखे हैं, पर लल्लू लाल जी ने ऐसे शब्द बचाए हैं। भाषा की सजावट भी प्रेम सागर में पूरी है। विरामों पर तुकबंदी के अतिरिक्त वर्णन वाक्य भी बड़े बड़े आए हैं और अनुप्रास भी यत्र तत्र हैं। मुहावरों का प्रयोग कम है। सारांश यह है, कि लल्लू लाल जी का काव्याभास गद्य भक्तों की कथा वार्ताओं के काम का ही अधिकतर है, ना नित्य व्यवहार के अनुकूल है ना संबद्ध विचारधारा के योग्य। प्रेम सागर के दो नमूने नीचे दिए जाते हैं।
श्री सुखदेव मुनि बोले, महाराज ग्रीष्म की अति अनीति देख नृप पावस प्रचंड पशुसी पशु पक्षी जीव जंतुओं की दशा विचार चारों ओर से दल बादल साथ ले लड़ने को चढ़ आया। तिस समय घन जो गरजता था सोई तो धौसा बाजता था। वर्ण वर्ण की घटा जो घिर आई थी सोई सूरवीर रावत। दिन के बीच बिजली की दमक शस्त्रा सी चमकती थी। बागपात ठोर ठोर ध्वज सी फहराए रही थी। दादुर मोर कड़खैतों की सी भांति यश बखानते थे और बड़ी बड़ी बूंदों की झड़ियां बाड़ों की सी झड़ी लगी थी। दूसरा नमूना देखिए। इतना कहे महादेव जी गिरजा को साथ ले गंगा तीर पर जाए। नीर में निहाय निलहाय अति लाड़ प्यार से लगे पार्वती जी को वस्त्र आभूषण पहिराने। निदान अति आनंद में मग्न हो डमरू बजाए बजाए तांडव नाच नाच संगीत शास्त्र की रीति से गाय गाय लगे रिझाने। जिस काल उषा 12 वर्ष की हुई तो उसके मुख चंद की ज्योति देख पूर्णमासी का चंद्रमा छविछीन हुआ। बालों की श्यामलता के आगे अमावस्या की अंधेरी फीकी लगने लगी और उसकी चोटी सटकाई लख नागिन अपनी केचुल छोड़कर सटक गई। बौं की बांकई निरक धनुष धधकाने लगा। आंखों की बड़ाई चंचलाई देख मृग मीन खंजन खिसियाए रहे। लल्लू लाल ने उर्दू खड़ी बोली हिंदी और ब्रजभाषा तीनों में गद्य की पुस्तकें लिखी हैं। ये संस्कृत नहीं जानते थे। ब्रजभाषा में लिखी हुई कुछ कथाओं और कहानियों को उर्दू और हिंदी गद्य में लिखने के लिए इनसे कहा गया था, जिसके अनुसार इन्होंने सिंहासन बत्तीसी बैताल बत्तीसी शकुंतला नाटक माधव नल और प्रेम सागर लिखे। प्रेम सागर के पहले चारों पुस्तकें बिल्कुल उर्दू में हैं। इसके अतिरिक्त संवत 1869 में इन्होंने राजनीति के नाम से हितोपदेश की कहानियां ब्रजभाषा गद्य में लिखी थी, जो पहले पद्य में लिखी जा चुकी थी। माधव विलास और सभा विलास नाम से ब्रजभाषा पद्य के संग्रह ग्रंथ भी इन्होंने प्रकाशित किए थे। इनकी लाल चंद्रिका नाम की बिहारी सतसई की टीका भी प्रसिद्ध है। इन्होंने अपना एक निज का प्रेस कलकत्ता में पट्टल कांडांगे में खोला था, जिसे ये संवत 1881 में फोर्ट विलियम कॉलेज की नौकरी से पेंशन लेने पर आगरे लेते गए। आगरे में प्रेस जमा कर ये एक बार फिर कलकत्ते गए, जहाँ इनकी मृत्यु हुई। अपने प्रेस का नाम इन्होंने संस्कृत प्रेस रखा था, जिसमें अपनी पुस्तकों के अतिरिक्त ये रामायण आदि पुरानी पोथियों भी छापा करते थे। इनके प्रेस की छपी पुस्तकों का लोग बहुत आदर करते थे। अब बात करते हैं चौथे महानुभाव सदल मिश्र की। ये बिहार के रहने वाले थे, फोर्ट विलियम कॉलेज में काम करते थे। जिस प्रकार उक्त कॉलेज के अधिकारियों की प्रेरणा से लल्लू लाल ने खड़ी बोली गद्य की पुस्तकें तैयार की थी, उस प्रकार इन्होंने भी। इनका नासिकेतोपाख्यान भी उस समय लिखा गया था जिस समय प्रेम सागर, पर दोनों की भाषा में बहुत अंतर है। लल्लू लाल के समान इनकी भाषा में ना तो ब्रजभाषा के रूपों की वैसी भरमार है और ना परंपरागत काव्य भाषा की पदावली का स्थान स्थान पर समावेश। इन्होंने व्यवहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया है और जहाँ तक हो सका है खड़ी बोली का ही व्यवहार किया है, पर इनकी भाषा भी साफ सुथरी नहीं है। ब्रजभाषा के भी कुछ रूप है और पूर्वी बोली के शब्द तो स्थान स्थान पर मिलते हैं, जैसे हुलहन के बिछौने चहु देसी सुनी सोन्हा के थंब आदि प्रयोग ब्रजभाषा के हैं। यहाँ मतारी बरते थे जुड़ाई बाजने लगा जौन आदि पूर्वी शब्द। भाषा के नमूने के लिए नासिक के तो पाख्यान का थोड़ा सा अवतरण दिया जाता है, देख लीजिए। इस प्रकार के नासिकेत मुनि यम की पुरी सहित नरक का वर्णन कर फिर जौन जौन कर्म किए से जो भोग होता है सो सब ऋषियों को सुनाने लगे कि गौ ब्राह्मण माता पिता मित्र बालक स्त्री स्वामी वृद्ध गुरु इनका जो वध करते हैं वो झूठी सांची भरते झूठी कर्म में दिल्लात लगे रहते हैं,
अपनी भार्या को त्याग कर दूसरी स्त्री को प्यारते हैं, औरों की पीड़ा देख प्रसन्न होते हैं, और जो अपने धर्म से हीन पाप में ही गड़े रहते हैं वो माता पिता के हित की बात नहीं सुनते, सबसे बैर करते हैं, ऐसे जो पापी जन हैं, सो महा डरावने दक्षिण द्वार से जा नरकों में पड़ते हैं। गद्य के साथ परंपरा चलाने वाले उपर्युक्त चार लेखकों में से आधुनिक हिंदी का पूरा पूरा आभास मुंशी सदा सुखलाल और सदल मिश्र की भाषा में मिलता है। ठीक है, पूरा आभास किस में मिल रहा है? मुंशी सदा सुखलाल और सदल मिश्र की भाषा में। व्यवहारोपयोगी भाषा इन्हीं की भाषा ठहरती है। इन दो में मुंशी सदा सुखलाल की भाषा की साधु भाषा अधिक महत्व की है। मुंशी सदा सुखलाल ने लेखनी भी चारों में पहले उठाई, अतः गद्य का प्रवर्तन करने वालों में उनका कोई विशेष स्थान समझना चाहिए। ठीक है, किसका? सदा सुखलाल का। संवत 1860 के लगभग हिंदी गद्य का जो का प्रवर्तन हुआ उस पर साहित्य की अखंड परंपरा उस समय से नहीं चली। इधर उधर दो चार पुस्तकें अनगढ़ भाषा में लिखी गई हों पर साहित्य के योग्य स्वच्छ सुव्यवस्थित भाषा में लिखी कोई पुस्तक संवत 1915 के पूर्व नहीं मिलती है। संवत 1881 में किसी ने गोरा बादल री बात का, जिसे राजस्थानी पद्यों में जटमल ने संवत 1680 में लिखा था, खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया। अनुवाद का थोड़ा सांस देख लीजिए। गोरा बादल की कथा गुरु के बल सरस्वती के मेहरबानगी से पूर्ण हुई। जिस वास्ते गुरु को व सरस्वती को नमस्कार करता हूँ। ये कथा 1680 के साल में फागुन सुदी पूनम के रोज बनाई। ये कथा में दो रस हैं, वीर रस और श्रृंगार रस। सो कथा मोर छड़ो नाव गांव का रहने वाला कबेसर। उस गांव के लोग बहुत सुखी हैं, घर घर में आनंद होता है, कोई घर में फकीर दिखता नहीं। ठीक है, भाषा का नमूना देख लीजिए। गोरा बदल संवत 1860 में, संवत 1860 और 1915 के बीच में, बीच का काल गद्य रचना की दृष्टि से प्रायः शून्य मिलता है। ध्यान रखिएगा, संवत 1860 से 1915 तक का समय जो है वो शून्य मिलता है। शुक्ल जी कह रहे हैं संवत 1814 के बलबे के पीछे ही हिंदी गद्य साहित्य की परंपरा अच्छी तरह से चली। ठीक है, संवत 1860 के लगभग हिंदी गद्य की जो प्रतिष्ठा हुई उस समय यदि किसी ने लाभ उठाया तो ईसाई धर्म प्रचारकों ने। इन्होंने अपने मत को साधारण जनता के बीच में फैलाना था। श्रीरामपुर उस समय पादरियों का प्रधान अड्डा था। विलियम केरे और कई अंग्रेज पादरियों के उद्योग से एंजील का अनुवाद उत्तर भारत की कई भाषाओं में हुआ। कहा जाता है कि बाइबल का हिंदी अनुवाद स्वयं केरे साहब ने किया। संवत 1866 में उन्होंने नए धर्म नियम का हिंदी अनुवाद प्रकाशित कराया और संवत 1875 में समग्र ईसाई धर्म पुस्तक का अनुवाद पूरा हुआ। इस संबंध में ध्यान देने वाली बात यह है कि इन अनुवादकों ने सदा सुखलाल और लल्लू लाल की विशुद्ध भाषा को ही आदर्श माना, उर्दूपन को बिल्कुल दूर रखा। इससे यही सूचित होता है कि अरबी फारसी मिली भाषा से जन साधारण का लगाव नहीं था, जिससे जिनके बीच मत का प्रचार करना था। जिस भाषा में साधारण हिंदू जनता अपने कथा पुराण कहती सुनती आती थी, उसी भाषा का आलंबन ईसाई उपदेशकों को आवश्यक दिखाई पड़ा। जिस संस्कृत मिश्रित भाषा का विरोध करना कुछ लोग एक फैशन समझते हैं, उससे साधारण जन समुदाय उर्दू की अपेक्षा कहीं अधिक परिचित रहा है और है। हम लोगों को तो कुछ भी चीज़ है, मतलब बाहर से आई है तो वो अच्छी ही लगती है। हम लोगों की पता है, भारतीयों की पुरानी आदत है, अपने की वैल्यू कभी नहीं करते कहीं पर। जिन अंग्रेजों को उत्तर भारत में रहकर केवल मुंशियों और खानसामों की ही बोली सुनने का अवसर मिलता है, वे भी उर्दू या हिंदुस्तानी को यदि जनसाधारण की भाषा समझा करें तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है।
पर उन पुराने पादरियों ने जिस शिष्ट भाषा में जनसाधारण को धर्म और ज्ञान आदि के उपदेश सुनाते सुनते पाया उसी को ग्रहण किया। ईसाइयों ने अपनी धर्म पुस्तक के अनुवाद की भाषा फारसी और अरबी के शब्द जहां तक हो सका है नहीं लिए हैं और ठेठ ग्रामीण शब्द बेधड़क रखे गए हैं। उनकी भाषा सदा सुखलाल और लल्लू लाल के ही नमूने पर चली है जिसमें कुछ विलक्षणता सी दिखाई पड़ती है, वे मूल विदेशी भाषा की वाक्य रचना और शैली के कारण। प्रेम सागर के समान ईसाई धर्म पुस्तक में भी करने वाले के स्थान पर करण हारे तक के स्थान पर लौ, कमर बंद के स्थान पर पटुका प्रयुक्त हुए हैं, पर लल्लू लाल जी के इतना ब्रज भाषापन नहीं आने पाया है। आए चाय का व्यवहार ना होकर आके जाके व्यवहार। सारांश यह है कि ईसाई मत प्रचारकों ने विशुद्ध हिंदी का व्यवहार किया है। एक नमूना नीचे दिया जा रहा है। तब यीशु यौहन से बपतिस्मा लेने को उस पास सालील के से यर्दन के तीर पर आया, परंतु यौहन यह कहकर उसे बरजाने लगा कि मुझे आपके हाथ से बपतिस्मा लेना आवश्यक है और क्या आप मेरे पास आते हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि अब ऐसा होने दें, क्योंकि इसी रीति से सब धर्म को पूरा करना चाहिए। यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत जल के ऊपर आया और देखो उसके लिए स्वर्ग खुल गया और उसने ईश्वर के आत्मा को कपोत के नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा और देखो ये आकाशवाणी हुई कि मेरा प्रिय पुत्र है जिसे मैं अति प्रसन्न हूँ। इसके आगे ईसाइयों की पुस्तकें और पंपलेट बराबर निकलते रहे। उक्त सिरामपुर प्रेस से संवत 1893 में दाऊद के गीत नाम की पुस्तक छपी जिसके भाषा में कुछ फारसी अरबी के बहुत चलते शब्द भी लिखे मिलते हैं, पर इसके पीछे अनेक नगरों के बालकों की शिक्षा के लिए ईसाइयों की छोटी मोटे स्कूल खुलने लगे और शिक्षा संबंधी पुस्तकें भी निकलने लगीं। इन पुस्तकों की हिंदी भी वैसी ही सरल और विशुद्ध होती थी जैसे बाइबल के अनुवाद की थी। आगरा, मिर्जापुर, मुंगेर आदि जिले उस समय ईसाइयों के प्रचार के मुख्य केंद्र थे। अंग्रेजी शिक्षा के लिए कई स्थानों पर स्कूल और कॉलेज खुल चुके थे जिसमें अंग्रेजी के साथ हिंदी उर्दू की भी पढ़ाई भी कुछ चलती थी। अतः शिक्षा संबंधी पुस्तकों की मांग 1900 से पहले ही पैदा हो गई थी। शिक्षा संबंधी पुस्तकों के प्रकाशन के लिए संवत 1890 के लगभग आगरा में पादरियों की एक स्कूल बुक सोसाइटी स्थापित हुई जिसमें 1894 में इंग्लैंड के इतिहास और संवत 1896 में मार्समैन साहब के प्राचीन इतिहास का अनुवाद कथासार के नाम से प्रकाशित किया गया। कथासार के लेखक या अनुवादक पंडित रतनलाल थे। इनके संपादक पादरी मूर साहब श्रण डडवत मध्य ने अपने छोटे से अंग्रेजी वक्तव्य में लिखा कि यदि सर्वसाधारण से इस पुस्तक को प्रोत्साहन मिला तो इसका दूसरा भाग वर्तमान इतिहास भी प्रकाशित किया जाएगा। इस पुस्तक की विशुद्ध और पंडिताऊ है। की के स्थान पर करी और पाते हैं के स्थान पर पावते हैं आदि प्रयोग बराबर प्रयोग मिलते हैं। भाषा का नमूना ये सोलन की इन अत्युत्तम व्यवस्थाओं के विरोध भंजन ना हुआ, पक्षपातियों के मन का क्रोध ना गया, फिर कुलीनों में उपद्रव मचा, इसलिए प्रजा की सहायता से पिसिस्ट्रेट्स नामक पुरुष सबों पर पराक्रमी हुआ। इसने सब उपाधियों को दबाकर ऐसा निष्कंटक राज्य किया कि जिसके कारण अनाचारी कहाया, यद्यपि यह उस काल में दूरदर्शी और बुद्धिमानों में अग्रगण्य था। ठीक है, इसके आगे की बात हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। धैर्य पूर्वक सुनिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण है। साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का बहुत ही बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।